नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें 26 पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। ये बैठक पहले शिमला में होने वाली थी, लेकिन हिमाचल में हुई भारी बारिश के चलते जगह बदल गई। आज शाम को विपक्षी दलों की डिनर पार्टी भी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शरद पवार आज बेंगलुरु नहीं आएंगे। दोनों कल की बैठक में शामिल होंगे। पवार के साथ सुप्रिया सुले भी आएगी। इस बैठक में तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू न्यानू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नड्डा ने 15 जुलाई को बिहार से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को न्योता भेजा था। इसके अलावा उन्होंने यूपी के ओपी राजभर और आंध्र में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को मीटिंग में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। मीटिंग से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, विपक्ष की पहली बैठक के बाद अब एनडीए में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। अब तक एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था।